सिबिल स्कोर क्या है और कितना सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है और कितना खराब आदि के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले जानेंगे सिबिल स्कोर क्या है और जानकारियाँ। सिबिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 तक का 3 डिजिट का एक नंबर है जो कि आपके क्रेडिट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप कहीं लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी क्रेडिट स्कोर होगी उतनी ही अच्छी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मानी जाएगी। क्रेडिट स्कोर एक तरीके से आपके लोन को लौटाने की योग्यता को दर्शाता है। सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए जो अच्छा माना जाए? आपको बता दें कि अच्छा सिबिल स्कोर 750 से 900 की सीमा में होता है। यदि आपका स्कोर 750 से ऊपर है तो बैंक और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आपको आसानी से लोन दे देंगी बिना किसी कश्मकश के। लेकिन यदि आपका स्कोर 750 से कम है तो आपको लोन देने में बैंक आनाकानी करेगा, क्योंकि इस स्कोर वाले व्यक्ति को लोन देना खतरे का सौदा माना जाता है। एक सिबिल स्कोर यूजुअली रेंज करता है 300 से 900 के बीच। बहुत खराब होने की कंडीशन में ये 300 के नीचे जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक अच्छा होने की कंडीशन में ये 900 के ऊपर नहीं जाता। यह आपको समझना पड़ेगा। रेंज के हिसाब से सिबिल स्कोर जानते हैं कौन सा सिबिल स्कोर लोन लेने में मदद करेगा। 300 से नीचे स्कोर, यदि आपका सिबिल स्कोर 300 से नीचे है तो मानकर चलिए कि कोई भी वित्तीय संस्था आपको लोन नहीं देगी, ना ही आपको स्कोर पर क्रेडिट कार्ड मिल सकेगा। यह सबसे खतरनाक स्कोर माना जाता है जिसमें कोई भी संस्थाएं हाथ डालने से बचती हैं। 300 से 450 के बीच का स्कोर, ये स्कोर पहले के मुकाबले इतना खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन ये स्कोर भी ज्यादा क्रेडिबल नहीं है। आप इसे एक वार्निंग समझकर अपने EMI समय में देना चालू करें जिससे आपके क्रेडिट स्कोर में सुधार ला पाए, क्योंकि इस स्कोर में भी आपको लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता। 450 से 600 के बीच का स्कोर, ये एक एवरेज स्कोर माना जाता है जो कि बहुत अच्छा भी नहीं है और ना ही बहुत खराब। ऐसे स्कोर में आपको कुछ बैंक लोन दे भी सकते हैं। वहीं आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तब उसकी क्रेडिट लिमिट बहुत ही कम होगी, लेकिन ये मानकर चलिए कि लोन लेने की और क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावनाएं इस स्कोर में होती हैं। 600 से 700 के बीच का स्कोर, ये स्कोर बहुत बढ़िया है। इसके लिए आपको प्राय सभी बैंक लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप एक कॉम्पिटिटिव रेट के लिए शायद निगोशिएबल ना कर पाए। इसे उदाहरण के तौर पर समझिए, आप यदि लोन लेना चाहते हैं और आपने 2-3 बैंकों में बात की है तो वो तैयार भी हो जाते हैं कुछ ब्याज दरों पर लोन देने को, लेकिन आप ये सोचें कि आप अपनी मर्जी से ब्याज दरों में मोल भाव कर सकें तो करना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, बैंकों की शर्तों पर आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। 750 से 900 के बीच का स्कोर, अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 900 के बीच का है तब तो आपने अपना क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज किया है। बैंक्स आपको बड़ी अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाएंगे और साथ में एक बढ़िया डील फाइनल करने के लिए निगोशिएबल यानी कि मोल भाव भी करने लगेंगे। क्रेडिट कार्ड लेने वालों को क्रेडिट कार्ड्स हायर क्रेडिट लिमिट की ऑफर की जाएगी, वो भी बढ़िया कैशबैक और डील्स के साथ। यानी कि जिसका सिबिल स्कोर जितना ज्यादा होगा उसको अच्छे डील में लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावनाएं उतनी अधिक होंगी। सिबिल स्कोर कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे सुधारा जाए, सिबिल स्कोर चेक कैसे करें, सिबिल स्कोर को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, सिबिल स्कोर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है आदि के बारे में आप हमारे साथ जुड़े रहें सिबिल स्कोर सीरीज से। यहाँ हर बारीकियाँ आपको मिलती रहेंगी जो बिजनेस के लिए लोन लेने में और क्रेडिट लेने में मदद करेंगी। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।